बाजार खुल गए, आना जाना शुरू हो गया, बच्चे भी बाजारों में जाते हैं। और इसलिए हम लोगों को अब लगता है सरकार के नाते भी कि 25-26 जुलाई से सोमवार मंगलवार के दिन से 11वीं और 12वीं के जो विद्यालय हमारे वो आधी संख्या जो 50% क्षमता है उससे हम खोलें, फिर 1 अगस्त तक हम और देखेंगे महाविद्यालय विद्यार्थियों को भी 50% क्षमता का मतलब ये कि आधे विद्यार्थी एक दिन आए आधे दूसरे दिन आए, और सप्ताह में 6 दिन नहीं चलेगा, वो 4 दिन पहले चलाए फिर बाद में 6 दिन चलाए, 3 दिन विद्यार्थियों का एक बैच आए 3 दूसरा आए, और उसके बाद 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा क्योंकि तीसरी लहर पे लगातार हम नजर रख रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले उठ के यही काम करता हूँ कहाँ पॉजिटिव आए, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाओ, आइसोलेशन में ले जाओ, मुझे ये पता रहता है कौन से शहर के कौन से मोहल्ले में कौन से वार्ड में किस इलाके में आज पॉजिटिव आया। मध्य प्रदेश में 20 पॉजिटिव आज आए और हमारे जो कुल मिला के अभी एक्टिव जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या है लगभग 250। तो ऐसी स्थिति है कि विद्यालयों को खोलने का मार्ग भी प्रशस्त किया जाए, तो पहले 11वीं 12वीं महाविद्यालय कोचिंग क्लासेज और उसके बाद 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो श्रीराम जी उसके नीचे भी फिर धीरे धीरे विद्यालयों को खोलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कहता हूँ। मैं मानता हूँ अक्षरा ऐसा संस्थान होगा जो सचमुच में प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा देगा।